हेलो दोस्तों, मैं हर्षित तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल हर्षित फिजियो फिटनेस। आज हम करने वाले हैं शोल्डर वर्कआउट फॉर योर स्ट्रेंथ फॉर योर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? आपकी मसल साइज के अंदर इंक्रीज होना, वो होती है हाइपरट्रॉफी। तो इस वर्कआउट के अंदर हम कवर करने वाले एंटीरियर डेल्ट, मिडल डेल्ट एंड पोस्टर डेल्ट को कवर करेंगे। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितना रेस्ट लेना है, कितने सेट करना है, हर एक चीज हम कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। और इस शोल्डर वर्कआउट के अंदर हम ओनली डंबल्स का यूज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वार्म अप से। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले लाइट वेट से हम करने वाले हैं अबडक्शन विद एक्सटर्नल रोटेशन। ये होता है अबडक्शन और ये होता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो हम करने वाले हैं वार्म अप। हम इसकी करेंगे दो सेट 15 रेपिटेशन, ठीक है? तो इस तरह से करेंगे आप अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। 1 2 3। आपका जो स्पीड होगा वो स्लो होगा। अब हम दूसरी से करने वाले हैं वर्म करने वाले हैं फुल रेंज के अंदर अबडक्शन स्कैपुलर प्लेन के अंदर। तो किस तरह से करेंगे? आपका स्कैपुलर प्लेन क्या होता है? पहले आपको जो स्कैपुला होता है पीछे, वो इस तरह से प्लेस नहीं होता है, आपका थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो उसके लिए आपका जो प्लेन होगा वो ये नहीं होगा, आपका जो प्लेन होगा वो ये होगा, ये इस तरह से। तो ये फुल रेंज ऑफ अबडक्शन है। इसके हम करेंगे 10 रेपिटेशन स्लोली। ये क्या 1 2 3 ऐसा आप करेंगे 10 रेपिटेशन। मैं जनरली ये यूज करता हूँ हमारे अपने वॉर्म के अंदर। तो ये हो गया हमारा वार्म अप। हमने बेसिकली किया क्या, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन 10 रेपिटेशन, देन रिपीट किया हैंड टू हैंड, ये इस तरह से फुल रेंज ऑफ अबडक्शन 10 उसके 10 इसके दोनों मिला के हो गया एक सेट, ठीक है? ऐसे करना है आपको दो सेट, और दोनों के बीच में जो रेस्ट होगा वो होगा 30 सेकेंड्स, मतलब 10 रेपिटेशन 30 सेकेंड रेस्ट। जो अगेन रिपीट करना है 10 रेपिटेशंस 30 सेकेंड रेस्ट। ये हो गया हमारा वार्म अप। हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन वर्कआउट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मेन वर्कआउट। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर डंबल प्रेस। इसके अंदर जो करने वाले हैं वो है हमारा स्कैपुला पिन के अंदर मूवमेंट करेंगे आप। हमारी जो ग्रिप होगी वो प्रोनेशन में नहीं होगी, इस तरह से हमारी होगी न्यूट्रल। इस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं स्कैपुला प्लेन के अंदर। हमारा जो वेट होगा वो हैवी लिफ्ट करने वाला है। हमारा जो रैप रेंज होगी, कितने रेपिटेशन लगानी है वो होगी 6 to 8 रेपिटेशन हम करने वाले हैं। अगर आप उस वेट के अंदर हैवी लिफ्ट के अंदर 8 रेपिटेशन क्रॉस कर सकते हो, देन आप 2.5 किलो से आसपास आप वेट इंक्रीज करेंगे, देन नेक्स्ट सेट परफॉर्म करेंगे। हर सेट के बाद में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। तब कहूँगा ये दिखाई देता हूँ किस तरह परफॉर्म करना, ठीक है? हम हैवी लिफ्ट करने वाले हैं 8 रेपिटेशंस। आपको इतना नीचे लेकर नहीं आना है, यहाँ तक लेकर आना, ठीक है? और पूरा ऊपर भी लेकर इस तरह से नहीं करना है, यहाँ तक, ठीक है? स्टार्ट। 2 हमारा एक सेट हो चुका है और हम करेंगे 1 मिनट रेस्ट। उस रेस्ट के बाद हम करेंगे हमारी नेक्स्ट सेट करेंगे, थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे क्योंकि मैंने 8 रेपिटेशन क्रॉस कर दिया है, थोड़ा वेट बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? 1 मिनट के रेस्ट के बाद आपका अपना सेकेंड सेट परफॉर्म करना है। और बहुत से लोग गलतियां करते हैं इसमें, गर्दन को इस तरह मूव करते हैं, इस तरह पूरा नीचे निकाल लेते हैं, पूरा ऊपर लाकर इस तरह से कर लेते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। इसके ब्लॉक में ये है, इस तरह नीचे आएंगे, प्रेस प्रेस प्रेस
स्लोली नीचे लेकर आना है, जल्द नहीं मारना है कुछ इस तरह से। हम स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी फोकस करने वाले हैं, पावर पे नहीं कर रहे हैं, जल्द नहीं मारना है, ठीक है। हमने वेट हमारा इंक्रीज कर लिया है, हम करने वाले हैं कंडीशन शोल्डर प्रेस। अच्छा होगा 15 डिग्री से लेकर 90 तक, क्योंकि हमारा इस रेंज के अंदर डेडलिफ्ट इतना वर्क नहीं करता है, तो इस यहां से लेकर हम इस तरह से 90 तक लेकर आएंगे, ऐसे स्लोली नीचे लेकर आएंगे। स्टार्ट हम इसमें रेफरेंस रखेंगे हमारी 10 टू 12 रेपिटेशंस। अगर आप इजीली 12 रेपिटेशन क्रॉस कर सकते हैं तो अपना वेट इंक्रीज कर लेंगे। अब इसमें आपको हर सेट के बाद में 45 सेकंड का रेस्ट लेना है और स्लोली करना है। अब स्टार्टिंग में जो रैप होगी टफ होगी, तो आप थोड़ा ये एल्बो है वो स्ट्रेट रहेगा कुछ इस तरह से, एंड दिस इज आपका फटीग हो जाएगा, थकने लगोगे आप, रेपिटेशन नहीं आ पाएगी, तब अगर अपने एल्बो को बैंड कर लेंगे क्योंकि मूवमेंट आपका कम हो जाएगा इस तरह से। मूवमेंट आपके हार्ड होगा और ये थोड़ा इजी होगा। तो पहले हम करेंगे हार्ड करेंगे पहले, उसके बाद में जैसे जैसे आप नहीं कर पा रहे हैं, पोस्चर बिगड़ रहा है, तो आप धीरे धीरे इसको थोड़ा सा बैंड कर लेंगे ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए और अपनी रैप रेंज कंप्लीट हो पाए, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हमारा लैटरल शोल्डर लैटरल रेंज बेसिकली मिडल लैटर को टारगेट करता है, तो ये रेंज रहेगी हमारी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन होल्ड ऊपर प्री कॉन्ट्रैक्शन, टू होल्ड स्लो रेंज, एल्बो ऊपर रहेगा और हैंड नीचे, एक सेट परफॉर्म करना है। इस सेट के बाद में आप लेंगे 45 सेकंड का रेस्ट, देन रिपीट करेंगे दोबारा शोल्डर लैटरल रेज। आपका जो स्प्लेन होगा वो सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा, स्कैपुलर बेंड लेना, ठीक है। मैंने किया क्या, स्टार्टिंग में एल्बो स्ट्रेट था, देन टफ होने लगा एक्सरसाइज, थर्ड एल्बो बेंड किया। आपको बेंड करते हुए लोग गलती क्या करते हैं, बेंड करते हैं और ये करते हैं, इस तरह करते हैं। तब करना क्या है, आपका जो एल्बो है थोड़ा ऊपर रहेगा इस तरह से और जो हैंड पोजिशन है नीचे रहेगा, तो बैंड करके कर लिया अगर आप इजी करने के लिए, तो ठीक है इस तरह से। तो हमारा एक सेट हो चुका है, सेकंड सेट करने वाले हैं हम 10-12 रेपिटेशंस। स्टार्ट इस तरह से सेकंड सेट हो चुका है हमारा, जब हम रेस्ट लेने वाले हैं 45 सेकंड। अब तीसरा भी सेम इस तरह से करना है, और फोर्थ सेट जो हमारा लास्ट सेट होगा लैटरल रेस के अंदर, हम करने वाले ड्रॉप सेट। इसके अंदर पहले हम स्टार्ट करेंगे हैवी से 6 रेपिटेशंस, थोड़ा लाइट 6 रेपिटेशन, फिर थोड़ा और लाइट 6 रेपिटेशन, एंड देन बिल्कुल लाइट वेट से ओनली इस पोजिशन के अंदर होल्ड करेंगे, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हम लास्ट में, तो बहुत ही लास्ट सेट है लैटरल रेज का, तो बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए, इसलिए 6-6-6 किसी के अंदर रेस्ट नहीं है, ठीक है।
डंबल पिक किया, इसका रोटेशन रखा, लाइट वेट लिया 6, उससे लाइट लिया 6 एंड देन होल्ड, तो इससे परफॉर्म करने वाले हैं। तो रोक सही खत्म आपको मैं, ठीक है। स्टार्टिंग कर रहे हैं 10 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा हो चुका है 3 सेट। कंटिन्यू ड्रॉप सेट के अंदर 10, 7.5, 5 हम कर लें, 3 वाले 3 से करेंगे हम होल्ड, मैक्सिमम जितना कर सकते हो ट्राई करना है, 20 सेकंड करो इस तरह से होल्ड। शेविंग हो रही है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया आपका डंबल लैटरल रेज, 4 सेट करने वाले थे, पहले 3 की नॉर्मल वेट से मतलब हैवी वेट होगी और 10 से 12 रेपिटेशन, देन जो फोर्थ सेट है लास्ट सेट है डंबल लैटरल रेज का, उसके अंदर हम करने वाले हैं ब्लॉक सेट 10, 7.5, 5 एंड 3 से होल्ड। अगर आप 10 से ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं तो आप 12.5, 10, 7.5, 5 होल्ड, तो इस तरह से आप कर सकते हैं आपके आपके आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज हो चुकी है, फर्स्ट थी हमारी डंबल शोल्डर प्रेस, सेकेंड है हमारी डंबल लैटरल रेज, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डंबल फ्रंट रेजेस आपकी एंटीरियर डेल्ट के लिए। तो हमारा जो रेंज रहेगा वो रहेगा स्टार्टिंग पोजिशन इस तरह से, यहाँ तक लेकर आएंगे स्टार्टिंग पोजिशन ये रहेगी, देन एंड पोजिशन यहाँ तक 90 थोड़ा सा पूरा ऊपर लेकर नहीं आना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये रहेगी हमारी डंबल पोजिशन, जब हम ऊपर लेकर आएंगे तब करेंगे शोल्डर का इंटरनल रोटेशन, ठीक है। ये होता है इंटरनल रोटेशन, तो ये किया इंटरनल रोटेशन, पिक कॉन्ट्रेक्शन इफ इट होल्ड एंड देन दोबारा रिलैक्स 1, 2, इस तरह से परफॉर्म करना है, 10 से 12 रेपिटेशन करना है, स्लोली करना है और अपनी एंटी डेल्ट को फील करते हुए परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, अच्छा इसलिए करता हूँ 45 सेकंड का रेस्ट लेना है, इसके लिए करना है 4 सेट सेम तरीके से यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रोटेशन एंड देन, अगर आप कंफर्टेबल नहीं इस पोजीशन के अंदर तो आप सीधा भी कर सकते हैं और रोटेशन के अंदर इस तरह भी कर सकते हैं। सो रेस्ट के बाद में थोड़ा सा हमने वेट बढ़ाया देन थोड़ी नीचे कराएंगे ताकि हमारी एंटी डेल अच्छे से सेंटी की ले सके। इस तरह से आपको एंटी डेल के फ्रंट रेस के
चार सेट परफॉर्म करना है, हर सेट के बाद में होगा 45 मिनट का रेस्ट। अभी तक हमारी तीन सेट हो चुकी है, वार्म अप के बाद में फर्स्ट सिंगल प्रेस, सेकंड लैटरल रेस, थर्ड फ्रंट रेस। हमारे मेन वर्कआउट की फोर्थ एक्सरसाइज है एक्सटेंशन विद एक्सटर्नल रोटेशन आपकी पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने जो रिसेंट इसके पहले की वीडियो है उसमें बताया है मैंने कि पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए कौन कौन से आप प्रोसेस कर सकते हैं, आप वो चेक कर लेना। और हम ये करने वाले हैं एक्सटेंशन विद एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि जो पोस्टीरियर का वर्कआउट फंक्शन होता है वो होता है एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन। तो हम इससे अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं, इसके हम करेंगे 10-12 रेपिटेशंस। तो सर लीन फॉरवर्ड करके इस तरह से, एंड देन एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। हार्ड करने के लिए क्या करोगे इसको, तो तुम पहले चलाओगे तो एल्बो का एक्सटेंड करोगे। आपकी पोस्टर डेल्टॉइड के लिए इस तरह से करने वाले हैं चार सेट, हर सेट के बाद में आप लेंगे 48 सेकंड का रेस्ट। ये होगा हमारी फोर एक्सरसाइज। हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर फिनिशर, उसको हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लैटरल रेज से, 10 रेपिटेशन फ्रंट रेज, 10 रेपिटेशन एक्सटेंशन डेक्शन रोटेशन, 10 रेपिटेशन एंड देन आर्नोल्ड प्रेस 10 रेपिटेशन। तो इसमें बहुत ही टफ होने वाला है, चारों भी इसमें ब्रेक नहीं है, तो फिनिशर है लास्ट में बहुत टफ होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारा। हाँ, और आपको जो ये था डबल एक्सटर्नल रोटेशन विद एक्सटेंशन, इसे आपको चार सेट करना है, हर सेट के बाद में 40 सेकंड रेस्ट लेना है 10-12 रेपिटेशन, ठीक है। उसके बाद में लास्ट फिफ्थ एक्सरसाइज हम करने वाले हैं शोल्डर फिनिशर। सो स्टार्ट करेंगे हम लैटरल रेस से, ठीक है। 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Front raise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 6, 7, 8, 9, 10. ये है आपका शोल्डर फिनिशर। कहाँ हम 20 किलो के वेट उठा रहे थे, मैं पास कर निकला। ये शोल्डर फिनिशर है। एट द लास्ट आपको शोल्डर वर्कआउट के अंदर इसको ऐड करना है, लैटरल रेस 10, फ्रंट रेस 10, एक्सटर्नल रोटेशन विद एक्सटेंशन, 10 रेपिटेशन एंड आर्नोल्ड प्रेस। अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं, 5 रेपिटेशन में थक गए हैं, तो आप नॉर्मल प्रेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। शोल्डर ऊपर ऊपर ही उठ रहा है मेरा। सो ये था हमारा शोल्डर वर्कआउट, मेरा समराइज कर देता हूँ फटाफट। पहले क्या हमने वार्म अप, वार्म के अंदर हमने इंक्लूड किया है एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन फुल रेंज ऑफ अबडक्शन। उसके बाद में मेन वर्कआउट था, मेन वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज थी शोल्डर डंबल प्रेसेस, सेकंड थी साइड रेजेस, थर्ड थी फ्रंट रेजेस एंड फोर्थ थी एक्सटेंशन विद एक्सटर्नल रोटेशन, और हमारा फिफ्थ था
वो था शोल्डर फिनिशर, उसमें था लैटरल रेस, फ्रंट रेस, एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन प्रेसेस। तो ये हमारा शोल्डर वर्कआउट बहुत ही इंटेंस वर्कआउट है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। स्टार्टिंग हमने स्ट्रेंथ से करी थी, हाइपरट्रॉफी के लिए हमने क्रॉप सेट किए, फिनिशर्स किए। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, आपके देखने के बाद आपको खुद ही फील होगा आपके हर डेल्ट जो डेल्ट है, रियर डेल्ट, मिडल डेल्ट और जो रियर डेल्ट है, पोस्टर डेल्ट है। अच्छे एक्सरसाइज के बाद फॉलो भी करना, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है हर्षित फिजियो फिटनेस, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।